तो इनेंशियोमर पढ़ने के पहले हमें ये इम्पोर्टेंट थिंग जो है ये जानना जरूरी है। तो क्या होता है, इसमें एक सोडियम लैंप है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सोडियम लैंप है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इन पोलेरीमीटर सेल, यहाँ पे लिखा पोलेरीमेट्री और ये डिटेक्टर है। तो ये क्या है, ये है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स या ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सोडियम लैंप जो होता है, ये सोडियम लैंप से क्या होता है, लाइट निकलता है या लाइट पास होता है, और ये लाइट अगर हमने निकोल प्रिज्म से पास किया तो वो कन्वर्ट होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब जो ऑर्डिनरी लाइट होता है विच हैव द सेवन वेवलेंथ्स, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब विच हैव अ सिंगल वेवलेंथ एंड इट्स वेव्स डायरेक्शंस और डायरेक्शंस ऑफ वेव्स इज अ पैरेलल टू ईच अदर, उसको हम पीपीएल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने पास किया किसमें, एक डिटेक्टर होता है या एक यहाँ पे एक सेल होता है, तो उस सेल में ये सॉल्यूशन होता है किसका, जो भी कंपाउंड का हमें ऑप्टिकल रोटेशन देखना है या वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है ये देखना है, वो कंपाउंड हम किसमें रखते हैं, उस कंपाउंड का सॉल्यूशन रखते हैं हम पोलेरीमीटर सेल में। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट लगेगा, तो वो कंपाउंड हम कौन से सॉल्वेंट में रखते हैं, कौन से सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो उसमें मिक्स करते हैं हम या तो क्लोरोफॉर्म या इथेनॉल, तो और एटसेट्रा, और सम सॉल्वेंट्स आर यूज्ड लाइक द क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल, ये बेटर सॉल्वेंट्स है। ये सॉल्वेंट्स मिक्सअप होता है किससे, जिस कंपाउंड का हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है या ऑप्टिकल रोटेशन चेक करना है, वो कंपाउंड मिक्सअप करते हैं हम किसमें, ये सॉल्वेंट में, या तो इथेनॉल या क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म या इथेनॉल, इसमें अगर हमने ये कंपाउंड जिसका आइडेंटिफाई करना है वो कंपाउंड इसमें हमने डिजॉल्व किया और इसमें रख दिया किसमें, पोलेरीमीटर सेल में। अब ये पीपीएल यहां से पास होगा, और ये कंपाउंड अगर असिमेट्रिक है, ये कंपाउंड अगर कायरल है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। किस तरह से रोटेट करेगा, ये इस तरह से रोटेट करेगा, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल का डायरेक्शन है, ये पीपीएल का डायरेक्शन घुमा यहां पर, ये क्या है आपका, ये है आपका एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब ये पीपीएल आपका क्या हुआ, इस तरह से रोटेट हुआ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। क्या क्या किया हमने, सोडियम लैंप का यूज किया, सोडियम लैंप से लाइट पास हुआ, दैट लाइट आर पास्ड फ्रॉम द निकोल प्रिज्म। अब ये लाइट किस तरह का है, ये लाइट का वेवलेंथ है 589, जनरली 589 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ होता है वही हम पास करते हैं किससे, यहाँ पे एक पोलेरीमीटर सेल है, पोलेरीमीटर सेल में जो भी कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है वो कंपाउंड सॉल्वेंट के साथ मिलाया हुआ है, उसका सॉल्यूशन कौन सा सॉल्वेंट, जनरली क्लोरोफॉर्म या इथेनॉल, वो सॉल्यूशन हमने रखा किसमें, पोलेरीमीटर सेल में, वहां से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो वेव्स है वो वेव्स क्या हुआ, इस तरह से रोटेट हुआ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हुआ। तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, इस तरफ इस राइट हैंड साइड में ये वेव्स रोटेट हुआ, तो डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड। तो जो भी कंपाउंड्स राइट हैंड साइड की तरफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स, और या तो डी लिखेंगे, डी स्मॉल डी लिखेंगे या पॉजिटिव साइन लिखेंगे उस कंपाउंड के पहले पैरेंथेसिस में। अब ये क्या है, सेल ऑफ लेंथ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सेल ऑफ लेंथ, जब हम स्पेसिफिक रोटेशन निकालेंगे इन ब्रैकेट अल्फा मीन स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है अल्फा डिवाइडेड बाय सी। सी क्या है, तो सी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द सी,
इन ग्राम पर सीएम क्यूब, मतलब एक सीएम क्यूब में कितना ग्राम कंपाउंड है, ग्राम पर सीएम क्यूब, एक सीएम क्यूब एरिया में कितना ग्राम कंपाउंड है, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो ये यहां पे लिखा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सी है। अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल ऑफ रोटेशन, ये एंगल ऑफ रोटेशन है अल्फा, तो ये अल्फा हमने लिखा यहां पे, ये सी लिखा हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यहां पे, और यल क्या है, यल जरूरी है यहां पे, ये जो सेल का लेंथ है यल इन डीएम, तो ये यल जो है यहां पे लिखा हमने यल। तो इसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये किसमें दिखाई दे रहा है या किसमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंगल ऑफ रोटेशन या किस तरफ रोटेट हो रहा है, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या क्या है, तो ये देख रहे हैं हम डिटेक्टर में, डिटेक्टर में। और जो भी ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, ये ऑब्जर्वेशन किस में कर रहे हैं, इसमें इसको कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन ऑफ रोटेशन, इज कॉल्ड एज द पोलैरिमेट्री। तो ये पोलैरिमेट्री में ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। तो फिर से एक बार क्या है, फिर से एक बार सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप से हमने लाइट पास किया, निकोल प्रिज्म से पास किया, तो ऑर्डिनरी लाइट है वो डिफरेंट वेवलेंथ, जब ये इसमें इसे पास करना है तो ये वेवलेंथ कितनी है, ये वेवलेंथ है 589 पिकोमीटर, तो 589 पिकोमीटर नहीं 589 नैनोमीटर, तो 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ अगर ये सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन किसमें बनाया, तो सॉल्यूशन कंपाउंड लिया, जो भी कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है वो कंपाउंड किसमें मिलाया, सॉल्वेंट में मिलाया, जनरली सॉल्वेंट कौन सा है, इथेनॉल है या क्लोरोफॉर्म है, तो उस सॉल्वेंट में ये सॉल्यूशन बनाया, उससे ये 589 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ पास किया। अब ये अगर कायरल मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। यहां पे इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये पीपीएल राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट हुआ है, तो इस प्रकार के कंपाउंड को, जो भी पीपीएल, जो भी कंपाउंड्स पीपीएल को राइट हैंड साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो कंपाउंड। हो सकता है कि पीपीएल इस डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है या इस डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो उसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी कंपाउंड, दिखाते हैं स्मॉल एल से अथवा माइनस साइन इन पैरेंथेसिस, मतलब जो भी लीवो कंपाउंड्स है या जो भी कंपाउंड्स पीपीएल लेफ्ट हैंड साइड में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वो सब लीवो कंपाउंड्स है, और वो कंपाउंड के नाम के पहले छोटा एल पैरेंथेसिस में या माइनस साइन हम लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, ये किस में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये डिटेक्टर में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस सेल की जो भी लेंथ है वो है एलडीएम, ये सॉल्यूशन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो है ग्राम पर सीएम क्यूब में। तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, तो हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब अल्फा इन ब्रैकेट, सो अल्फा इन ब्रैकेट इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय सीएल, अल्फा है एंगल ऑफ रोटेशन, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर सीएम क्यूब, और यल क्या है, इस पोलैरिमीटर सेल की लेंथ है। अब दिखाते समय या लिखते समय किस तरह से लिखते हैं हम, अल्फा ब्रैकेट में डी, ये डी क्या है, डी है वेवलेंथ, जनरली 589 नैनोमीटर, और ये 20 क्या है, तो ये 20 है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी कंपाउंड का रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो वो कंपाउंड सॉल्यूशन में तैयार करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट का यूज होता है क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल, वेवलेंथ यूज होता है 589 नैनोमीटर, और टेम्परेचर होता है जनरली 20 डिग्री सेल्सियस, और फॉर्मूला है ब्रैकेट में अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय सीएल। अब जो भी कंपाउंड्स पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उस कंपाउंड्स को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं, और जो भी कंपाउंड्स
ये पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। और जो कंपाउंड पीपीएल रोटेट नहीं करेंगे, मतलब जिसमें असिमेट्रिक कार्बन नहीं है उसमें पीपीएल रोटेट नहीं होगा। तो वो है क्या, वो अगर सिमेट्रिक कार्बन है तो वो पीपीएल रोटेट नहीं करेगा, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स नहीं है। मतलब जो भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो पीपीएल रोटेट करेंगे आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच रोटेट्स पीपीएल आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। एंड दोज कंपाउंड्स विच डज नॉट रोटेट पीपीएल एट एनी डायरेक्शन, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स। अब हम देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि इनेंशियोमर मतलब क्या होता है। तो इनेंशियोमर मतलब क्या, व्हाट इज द इनेंशियोमर्स? तो इनेंशियोमर्स मतलब ये ऐसे स्टेरियो आइसोमर्स है, स्टेरियो आइसोमर्स विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ऐसे स्टेरियो आइसोमर्स विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब हमें इंपॉर्टेंट ये पता है कि व्हाट इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो किसे कहेंगे नॉन सुपर इम्पो मिरर इमेज? एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे इनेंशियोमर्स का, COOH, COOH, H और CH3। ये क्या है? ये है लैक्टिक एसिड। तो ये माइनस लैक्टिक एसिड, ये माइनस लैक्टिक एसिड है, ये डी माइनस लैक्टिक एसिड है। अब इसका मिरर इमेज निकालेंगे हम इस मॉलिक्यूल का। तो मिरर इमेज COOH क्या करना है, मिरर इमेज निकालते समय ऊपर पार्ट जो है वो एज इट इज लिखना है, नीचे जो है वो भी एज इट इज लिखना है। राइट का लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट का राइट में आएगा, तो वो होता है आपका मिरर इमेज। तो ये है CH3 एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे लिखा हमने क्या, OH, यहाँ पे लिखा H, क्योंकि OH राइट हैंड साइड में, इस मॉलिक्यूल में लेफ्ट में आएगा और लेफ्ट का राइट में जाएगा। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। अब ये क्या है, ये है L प्लस लैक्टिक एसिड, L प्लस लैक्टिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। एक इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर द स्टेरियो आइसोमर्स, आइसोमर्स है। आइसोमर्स मतलब क्या, विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विच हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये आइसोमर्स है। अब इसको देखना है कि ये सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो आसान तरीका इंपॉर्टेंट है कि ये किसको उठाना है और इसके ऊपर रखना है। तो इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो ये एच क्या है, एच ओवरलैप करेगा OH को, और OH ओवरलैप करेगा किसको, एच को। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो मिरर इमेजेस है वो किस तरह के मिरर इमेज है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, क्योंकि दो सेम एटम्स एक दूसरे को मिरर इमेज में ओवरलैप नहीं करते हैं। तो अब इसको उठाया, इसके ऊपर रखा, ये इंपॉर्टेंट हमें बात पता चली कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, फिर वो आइसोमर्स है। अब क्या देखना है हमें, ये माइनस किस लिए लिखा, तो माइनस मतलब अभी हमने देखा कि माइनस मतलब लीवो रोटेटरी कंपाउंड, और ये प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब ये पीपीएल रोटेट करता है राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पीपीएल है तो ये पीपीएल कहां रोटेट कर रहा है, राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है। तो ये लैक्टिक एसिड किस तरह का है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड है, और ये पीपीएल रोटेट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये किस तरह का कंपाउंड है, तो ये लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। अब ये डी और ये एल क्या है, हमें पता है कि छोटा डी लीवो है तो लिखेंगे पैरेंथेसिस में माइनस साइन या छोटा एल,
अगर डेक्स्ट्रो है तो लिखेंगे छोटा डी स्मॉल डी इन पैरेंथेसिस और पॉजिटिव साइड नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ द कंपाउंड। और ये डी क्या है और ये एल क्या है, तो ये कैपिटल एल इसका मतलब होता है सेकंड लास्ट स्टीरियो सेंटर या सेकंड लास्ट असिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पे एक ही कार्बन असिमेट्रिक कार्बन है जिसकी सिमेट्री नहीं है, जिसको फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, तो उस कार्बन पे ये OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको बोलेंगे कैपिटल L और इसको लिखेंगे कैपिटल L। और अगर यही OH राइट हैंड साइड में है, ये असिमेट्रिक कार्बन है, तो यही OH अगर राइट हैंड साइड में है तो उसको लिखेंगे D, कैपिटल D। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये D क्या है, अगर यहाँ पे अगर D लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैपिटल D और स्मॉल D में डिफरेंस क्या है। तो कैपिटल D मतलब OH ग्रुप एट द राइट हैंड साइड, ये कैपिटल डी, और ये डी मतलब ये लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, या यहाँ पे माइनस साइन नहीं, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे एल लिखना पड़ेगा छोटा एल। तो ये डी कैपिटल डी मतलब ये OH राइट हैंड साइड, और ये एल छोटा एल मतलब ये कंपाउंड किस प्रकार का है, ये कंपाउंड है लिवो रोटेटरी, और लिवो रोटेटरी कंपाउंड मतलब प्लेन पोलराइज राइट रोटेट टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको बोलेंगे लिवो कंपाउंड। अब ये एल क्या है, ये एल लिवो नहीं है, ये एल मतलब क्या है, ये एल मतलब OH ग्रुप एट द लेफ्ट हैंड साइड, उसको बोलेंगे हम एल। और जो प्लस लिखा है यहाँ पे या यहाँ पे डी भी हो सकता है स्मॉल, तो डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या पॉजिटिव साइड मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये कंपाउंड PPL कहाँ रोटेट कर रहा है, PPL को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या राइट हैंड साइड में। तो इनेंशियोमर्स मतलब क्या, मिरर इमेजेस सच स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव अ मिरर इमेजेस, और वो भी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब दोनों भी कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल प्रॉपर्टीज है ये दोनों भी सेम होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी सेम, मतलब इनेंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस विच हैव स्टीरियो आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर इनेंशियोमर्स विच हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगेन इट शुड नॉट हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाता है या नहीं दिखाना चाहिए। अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाता है तो वो इनेंशियोमर नहीं है, अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाता है तो इनेंशियोमर है। तो इनेंशियोमर मतलब सच स्टेरियोआइसोमर्स विच हैव अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज द इनेंशियोमर्स। और मतलब फर्क क्या है, फिर इसमें फर्क क्या है, तो इसमें फर्क ये है कि ये मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है दोनों भी, मतलब मिरर इमेजेस है शुड नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाना चाहिए। तो फर्क क्या है इन दोनों में, इन दोनों में फर्क है कि एक कंपाउंड लिवो है और एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू आइसोमर्स, so one is the dextrorotatory and another one is the levorotatory। so अब enantiomer के concept को थोड़ा और advance करते हैं, तो such as stereoisomers which have a non superimposable mirror images but only differ in the rotation of PPL, one rotate PPL either clockwise direction then another must be rotated PPL in anti-clockwise direction। तो ये एक आइसोमर, ये एक कंपाउंड, और दूसरे कंपाउंड में डिफरेंस क्या है इनेंशियोमर में, तो एक कंपाउंड PPL रोटेट करेगा क्लॉकवाइज में तो दूसरा डेफिनेटली रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो सच ए कंपाउंड विच हैव डिफर इन ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन ऑफ PPL।
सो इनेंशियोमर्स मतलब स्टीरियोइसोमर्स विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बट इट रोटेट पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शंस, इसको हम कहेंगे इनेंशियोमर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डायस्टेरियोमर्स।